ब्रह्मेश्वर मुखिया की 11वीं शहादत दिवस समारोह 1 जून को पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है। इस शहादत दिवस को लेकर गया में प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि 11वीं शहादत समारोह की तैयारी भव्य तरीके से की गई है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जिसमें बिहार के सभी जिलों से करीब 40 से 50 हजार लोग शामिल होंगे। इसको लेकर कौशल शर्मा, जयकांत वत्स क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। जी बता दो। मैं सारे युवा साथियों से ये विनती करना चाहता हूँ और आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने घर से निकल के 1 जून 2023 को पटना चलें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके कानों तक ये आवाज़ जा रही है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया भारी संख्या में आप पटना पहुँचे। आप सभी युवा साथियों का इसके लिए तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपका अपना कौशल शर्मा, बापू सभागार पटना, गांधी मैदान, 1 जून 2023 पटना चले। कितना 10,000 से ऊपर उठे भीड़ की अनुमान अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक हम लोग की जो तैयारी है वो करीब 30 से 40 हजार की संख्या में वहाँ पे भीड़ होनी चाहिए। और हम लोग इसकी तैयारी किए हैं, अभी तो समय बताएगा कितनी भीड़ वहाँ पे। जिले से बिहार के तमाम आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो तैयारी है वो 3 स्टेट मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इस 3 स्टेट से लोग आ रहे हैं। और सबसे जानकारी देने वाली बात जो है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, बाजीराव पेशवा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिसको जिनके बारे में आप इतिहास में पढ़े होंगे, उनके प्रपौत्र हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बापू सभागार में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने अपनी सहमति दी है और वो आ रहे हैं। और बिहार के 3800 जिला से किसान मजदूर सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ये किसी जाति के नहीं, जमात के नेता थे। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के सारे कोने से, यूपी के, झारखंड के कोने कोने से लोग आए, भारी संख्या में आए। दिल्ली NCR से लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। जैसा कि आपको अभी विगत जयकांत बस जी ने बताया कि दिल्ली से लोग भी आ रहे हैं, दिल्ली NCR से खुद चल कर आए हैं। तो हमें आशा है कि भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। और पहुँचने वालों को मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मीडिया बंधुओं को भी आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने हमें समय दिया इसके लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद। चारधारा था, हमने पूरा पढ़ा है उनका बायोलॉज। उस बायोलॉज में कहीं कोई जातिवाद नहीं, जिस तरह से उन्हें एक जाति में कैद कर दिया जाता है। उनकी विचारधारा भगवान तुल्य है, परमात्मा स्वरूप है। और उस विचारधारा को, उस किसान की बात को, उस गरीब गुरबे की और डेवलपमेंट की बात बहुत उसमें दी गई है। तो उन सारी चीज़ों को केवल मगध ही नहीं, पूरे बिहारे नहीं, पूरे देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हम इसको आप लोग के माध्यम से लाना चाहते हैं, प्रचारित करना चाहते हैं। वो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, तो हम लोग उनको भगवान परशुराम का ही अवतार मानते हैं। कि शस्त्र एंड शास्त्र, उन्होंने वजूद सबका दिया किसानों को, जो पहले किसान, आज ही मेरी कई किसानों से बात हुई, डोर टू डोर में जा रहे थे कि दिन में अपने बगीचे में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज उनके वजह से आज दिन में, क्या रात में, कभी भी किसी समय में जा रहे हैं। तो उन्होंने जो कार्य किया था बहुत ही बेहतर कार्य किया था और सभी के लिए कार्य किया था। तो हम उनको सर्व समाज का नेता मानते हैं और यह जन जन तक पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग के माध्यम से आप इसे शेयर भी करिएगा और अन्य जो आपके चैनल होंगे उसमें। ये मुझे कहना है, जय परमेश्वर, जय पशु। आपने सुना इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।